अब अनिवेश भाई बन गए हैं शेर। और इससे बवाल भी फोटो स्पॉट है, देखिए अब ऊपर वाले शेर में जाएंगे, अब बन गए भाई फ्लावर, सनफ्लावर। चलिए ऊपर चलते हैं, हम आपको जंगल सफारी पहुंच के कुछ सरप्राइज देते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज हम निकले हैं जंगल सफारी की ओर, जो कि है रायपुर से कुछ 20 किलोमीटर की ओर, नए रायपुर की साइड। तो गाइस वेलकम बैक टू द ब्लॉग, कैसे आप लोग, जय श्री राम। तो आज गाइस हम लोग जाने वाले कहां पे, जंगल सफारी रायपुर में, बहुत मजा आने वाला है। लेकिन हम यहां से जब जा रहे थे, बीच में एक चाय की टपरी पड़ी, काका जी ने चाय एक नंबर बनाई, बवाल कुछ कर दिए, क्या बताऊं, बहुत अच्छा लगा। एक मिनट यहां पे आइए, आप गणेश जी रखे हैं, प्रणाम कर लेते हैं और आगे का सफर अब यहीं से शुरू करते हैं। तो लास्ट तक बने रहना वीडियो में, अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगा रायपुर के नंदनवन जंगल सफारी में, जो कि बहुत ही खूबसूरत सी जगह है अपने आप में और रायपुर में काफ़ी फेमस जगह में। तो अगर आपको यहाँ पे जाना है तो यहाँ के सफ़र की शुरुआत होती है रायपुर से, और इसके लिए आपको रायपुर से नया रायपुर के साइड जाना पड़ता है, वो अप्रॉक्स 26 किलोमीटर पड़ता है। और अभी हम आ चुके हैं नंदनवन के जंगल सफारी में, जो कि नए रायपुर के साइड में। और यहाँ पे आते ही सबसे पहले तो हमें टिकट लेना पड़ता है, टिकट काउंटर में हमने टिकट लिया, देन उसके बाद हम जा रहे हैं अब अंदर के साइड में। तो आपको अंदर का सारा व्यू दिखाऊंगा मैं इस वीडियो में, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक इन्जॉय करना पड़ेगा, इन्जॉय मीन्स उसे आपको देखना पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर आने के लिए, तो उसके लिए भी मैंने इसमें आगे बहुत सारी चीज़ें बताई हुई है, यहाँ की पूरी जानकारी। और बहुत सा कुछ है यहाँ पे जो देखने लायक है, बाकी मैं यहाँ पर आके तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड खुश हूँ। तो इस वीडियो को आपको एंजॉय करना पड़ेगा लास्ट तक, मीन्स मतलब आपको देखना है यार कि मतलब जब आप वहाँ पे जाओगे कैसा होगा, क्या होगा, सारी की सारी डिटेल है यहाँ पे जंगल सफारी में, और फेमस जंगल सफारी के नाम से। तो अभी हम अंदर चलते हैं। मैं जैसे अंदर आया, मैंने एक बवाल चीज देखी अंदर में, आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ के गार्डन को देखिए, कोई हरा है, कोई लाल है, कोई पीला पौधा है, लेकिन लेकिन रुको रुको एक मिनट, मैं आपको एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। वो देखो नीचे बैठा है, कुछ बैठा है वहाँ पे, तो वहाँ पे एक हिरन बैठा है, जो कि हिरन का स्टैचू है। ऐसे बाहर में नहीं घूमते वो लोग, नहीं तो कोई उठा के ले लेगा, अंदर में रहते अच्छे से रहते हैं वो लोग। तो उसके लिए हमें अंदर जाना पड़ेगा, तो हम अंदर चलते हैं अभी। जंगल सफारी में अंदर जाने के लिए आपको इन्हीं गाड़ियों में बैठ के जाना होता है, जो कि थोड़ी अजीब होती है, लेकिन अच्छा लगता है बैठ के। और काफ़ी मस्त, मतलब गार्डन को इतना बेस्ट बनाया गया ना कि देख के एकदम सिनेमेटिक सीन सा आता है। और आगे मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा तालाब है, मतलब बड़ा मतलब बहुत बड़ा, और वहाँ पर बोटिंग होती है, लेकिन जब मैं गया उस टाइम पर बोटिंग जोन बंद था, किसी कारण से बंद था, उस कारण से मैं आपको दिखा नहीं सकता वहाँ का सीन। बाकी आप तालाब देख लीजिए, बहुत बड़ा है। और आगे चलते हैं, अभी आगे जस्ट जंगल सफारी अंदर आने ही वाला है, और काफ़ी मस्त लग रहा है यार यहाँ पे, क्या बताऊँ आपको मैं।
ये गाइस जंगल सफारी रायपुर का, और अभी हम अंदर जाएंगे। और अंदर जाने के लिए यहाँ पे साइकिल मिलती है रेंट पे, तो हमने लिया हुआ है साइकिल। साइकिल में बैठ के जाएंगे गाइस, आपको एकदम मज़ा आ जाएगा एकदम। चलो अंदर चलते हैं बवाल मचाने। ये विशाल है और ये मेरा दोस्त है डॉक्टर। तो डॉक्टर चलो चल भाई चल। दोस्तों जंगल सफारी का पाथवे इतना छोटा नहीं है कि आप इसे आसानी से पैदल पैदल जाके आ जाएं। कुछ लोग जाते भी हैं लेकिन आते तक वो बहुत थक जाते हैं, इसी कारण से हम लोगों ने यहाँ से साइकिल ली हुई है, मैंने और मेरे दोस्तों ने। और काफ़ी बहुत लंबा पाथवे, मतलब अप्रॉक्स 2 किलोमीटर और या 3 किलोमीटर तो आराम से है इतना। तो इतना दूर घूमने के लिए भी बहुत एनर्जी चाहिए और बहुत कुछ, मतलब आदमी थक जाता है, इसी कारण से हम लोगों ने साइकिल ले लिया है। और बस आगे आप देखिए वीडियो में। यह जंगल सफारी का नक्शा चिड़ियाघर का, और यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं क्या करें क्या ना करें, तो जो नहीं करना वही करते हैं हम लोग। और आपको सबसे बेस्ट चीज़ दिखाता हूँ, देखो वो है पीरी है गाइस, उसको पीरी बोलते हैं, मशरूम। मेरी किस्मत आपको बताता हूँ मैं, बवाल किस्मत है एकदम। साइकिल भी वो मिली जिसमें ब्रेक नहीं आ, ढंग से सीट भी नहीं आ, फिर भी मैं चला रहा हूँ। हेलीकॉप्टर जा रहा है गाइस ऊपर से। काफी मस्त सीन है, भारी मस्त, क्या बताऊँ आपको। विशाल लोग आगे निकल गए, मैं पीछे हूँ। मैं पीछे इसलिए हूँ क्योंकि मुझे आपको दिखाना है पूरी जानकारी। यहाँ तो नहीं घुस गए गाइस ये लोग, साइकिल वाइकल लेके देखते हैं है क्या यहाँ पे। शेर है भी शेर। ये है विशाल, ए विशाल इधर देख, विशाल विशाल इधर देख एक बार, विशाल तो देख के घबरा गया है। चलिए मैं आपको जंगल सफारी की वन ऑफ द बेस्ट फोटो स्पॉट बताता हूँ, और ये है और इसका लाइव एग्जांपल। भाई जरा एक मिनट जाना, जरा लाइव एग्जांपल देते हैं गाइस को, जरा लाइव एग्जांपल देते हैं दोस्तों को, ये आप देख सकते हैं। अब अनिवेश भाई बन गए हैं शेर। और इससे बवाल भी फोटो स्पॉट है, देखिए अब ऊपर वाले शेर में जाएंगे। अब बन गए भाई फ्लावर, सनफ्लावर। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं बाकी, काफ़ी मज़ेदार जगह है। भरी गर्मियों में हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो बड़ा दिल ऐसा लगेगा जैसे। तो अच्छा फोटो स्पॉट है एंड बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे अगर हम चढ़ेंगे ऊपर तो। और अभी हम चढ़ेंगे लेकिन उससे पहले बच्चे लोगों के लिए झूला वूला भी है, यदि आपके कोई बच्चे होंगे छोटे तो आप ला सकते हैं उन्हें यहाँ पे, उनके लिए फुल तरीके से झूले की व्यवस्था की गई है। बड़े होंगे तो स्प्राइट, कोको कोला, फैंटा सब चीज़ें यहाँ पर एंड बहुत सारी चीज़ें। ये हम सब डर के आगे जीत है, पर इन्हें कोई, पर इन्हें कौन बताए बाबू, डर के आगे बजरंग बली है श्री हनुमान जी। यहाँ पे कैंटीन है, अभी हमने यहाँ पर समोसा खाया, स्प्राइट पिया, डोमिनोज लिया, चीज़ वीज क्या क्या तो खाया उन्होंने, मेरे को समझ नहीं आता गाइस। अपन शादी खाने वाले हैं बाकी, अभी चलिए पिकनिक स्पॉट, बहुत अच्छी सी जगह है ये, फोटो स्पॉट बोल सकते हैं इसे। चलिए ऊपर चलते हैं। चढ़ेंगे ऊपर हम, घर बनाना है यहाँ, घर बनाना है हमें, स्मॉल हाउस, ट्री हाउस जिसे कहते हैं। अब यहाँ से व्यू देखिए आप, कितना मस्त लगता है।